बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अ मेटल वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ लोड, द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ इज शोन, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द होल ग्राफ। अच्छा, जब भी मेरे पास फोर्स और एक्सटेंशन का कोई ग्राफ होता है और मुझे इसका एरिया निकालना है अंडर द होल ग्राफ, तो इसका बेसिकली मतलब है कि मैं फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्सटेंशन से और मैं बेसिकली इसका एरिया निकाल रहा हूँ। अब जब भी मेरे पास एफ़ टाइम्स एक्स होगा तो ये हो क्या रहा है, ये फोर्स मल्टीप्लाई हो रही है डिस्टेंस से, जिससे मेरे पास वैल्यू निकल रही है एनर्जी या फिर वर्क डन की। अब जब भी फोर्स और एक्सटेंशन मल्टीप्लाई होंगे तो इसमें ज़्यादातर मेरे पास बनता है ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया बनता है एफ़ टाइम्स एक्स, और इससे मेरे पास निकलता है वर्क डन मतलब अंडर दी ग्राफ। तो बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है ये। जिससे मेरे पास वर्क डन की वैल्यू निकल जाती है। तो ये बहुत ही इसका बेसिक था ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर।